हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लास 10th के कोर्स में आपको वेलकम। हम इसका यूनिट नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक स्टडी कर रहे थे और उसके जो आज ये सेकंड लेक्चर यानी कि टॉपिक 10.1 का ये सेकंड लेक्चर है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका पार्ट टू है। पार्ट वन के अंदर जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी उसमें हमने ये देखा था कि जो मास और स्प्रिंग मोशन है, यानी कि एक मास जो है अगर हम एक स्प्रिंग के साथ अटैच कर दें और उसको उसके ऊपर कोई फोर्स इम्प्लीमेंट करें, उसके एक हमने एनिमेटेड वीडियोस भी देखी थी, उसके ऊपर स्टडी किया था कि कैसे जो है वो स्प्रिंग के ऊपर हम मास को चेंज करते हैं, उसके टाइम पीरियड जो है वो वेरी करता है। और फिर हमने ये देखा कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कैसे असरअंदाज होता है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर। तो यहाँ पे अगर इसको सिंपली वे में हम देखें, अकॉर्डिंग टू द बुक अगर हम स्टडी करें, तो हमारे पास एक मैस है, वो मैस है वो स्प्रिंग के साथ अटैच है। अगर इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, मगर फोर्स इज इक्वल टू जीरो है, तो ये बॉडी अपने मीन पोजीशन के ऊपर होगी। जैसे ही हम इसके ऊपर कोई फोर्स जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे, चाहे वो पुश फोर्स हो या स्ट्रेच करें या पुश करें, जो भी इसके ऊपर फोर्स इम्प्लीमेंट करेंगे उसके रिजल्ट के अंदर ये कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट जो है ये बॉडी ये तय करेगी। मतलब यहाँ से अगर फोर्स लगा के हम इसे एक्स के ऊपर ले जाते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें हैं, एक एक्स है, दूसरा फोर्स है और तीसरा और तीसरा जो है वो हमारे पास ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। मतलब ये स्प्रिंग के अंदर कितना ये सख्त है, इसकी जो हार्डनेस है वो तीसरा फैक्टर है। तो फोर्स और हार्डनेस जो है ये एक दूसरे के यानी कि नेगेटिव होंगे। अगर फोर्स जो है अगर हम ज़्यादा लगाएंगे तो उसकी डिपेंड करेगा उसकी हार्डनेस के ऊपर कि स्प्रिंग हार्ड है या नहीं। अगर फॉर एग्जांपल हम फोर्स कम लगाते हैं तो कम मूवमेंट होगी, फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो मूवमेंट ज़्यादा होगी। अगर हम स्प्रिंग कांस्टेंट को सेम रखें, मतलब ये फोर्स, ये इसके अंदर भी एक फोर्स है और ये भी एक फोर्स है, तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, तो इसकी के की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। सो यहाँ से हमारे पास जो चीज़ आएगी वो एफ इज इक्वल टू आएगा माइनस के एक्स। के जो है यहाँ पर नेगेटिव सिर्फ इस वजह से है क्योंकि ये इसके अंदर जो इसकी इलास्टिक फोर्स है या इसकी जो हार्डनेस है, जो के की वैल्यू है, वो और फोर्स एक दूसरे के इनवर्स काम करेंगे। सो अगर हम इस बॉडी को मूव करके यहाँ पर के की एक्स की वैल्यू तक लेके आते हैं, ठीक है, और यहाँ से वापस इसे हम रिलीज करते हैं, इसे छोड़ते हैं, तो ये वापस आएगा अपने मेन पोजीशन के ऊपर और फिर ये आगे बी पे आएगा, फिर वापस ओ पे जाएगा और ए पे जाएगा। मतलब ये पहले यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, यहाँ पे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, पॉइंट बी पे जाएगा तो फिर पोटेंशियल एनर्जी होगी। और अगर इसमें कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फोर्सेज जो हैं वो एक्ट नहीं कर रही, यानी कि जो अपोजिट फोर्सेज हैं वो नहीं लग रही, तो ये इसी तरह मूव करता जाएगा ए से ओ पे, ओ से बी पे, बी से ओ पे और ओ से ए के ऊपर। सो इसकी ये वेरिएशन है, ये जो ऑसिलेशन है ये चलती रहेगी, यानी कि अगर हम इसे, क्योंकि हमने शुरू में ही कहा था कि ऐसी ऑसिलेशन जो कि मैकेनिकल हो उसे हम वाइब्रेशन बोलते हैं, तो ये बेसिकली वाइब्रेट करना, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ पे, और इसके रिजल्ट के अंदर हमारे पास जो है वो एनालॉग वेव की फॉर्म में जो इसका रिजल्ट हमारे पास आता है। सो एफ इज इक्वल टू हमारे पास माइनस के एक्स की वैल्यू। सो K इज इक्वल टू हमारे पास माइनस एफ ओवर एक्स आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे फोर्स जो है हमारे पास वो है और उसे हम डिवाइड कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। एंड वी नो दैट के एफ इज इक्वल टू एम ए है, यानी कि फोर्स जो है वो मास और एक्सेलरेशन के इक्वल है। एम का यूनिट हमारे पास किलोग्राम है और एक्सेलरेशन का यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है। इस बात को याद रखिएगा, जो एफ इज इक्वल टू एम नहीं, एफ इज इक्वल टू एम जी के अकॉर्डिंग टू होता है। यहाँ पे हम इसे, क्योंकि जी की वैल्यू नहीं है तो हम इसे एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग टू देख रहे हैं, सो एफ इज इक्वल टू एम ए हम इसे कंसिडर करें। सो इस फार्मूले में के इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स, इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें, एम ए एफ की वैल्यू पुट करें, तो के इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा माइनस एम ए ओवर एक्स। यहाँ पे मास का यूनिट केजी है, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और डिस्टेंस जो है मीटर है। सो मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा और के का जो यूनिट हमारे पास बनेगा, मतलब ए इज इक्वल टू, अगर एक्सेलरेशन की यहाँ से वैल्यू काउंट की जाए तो ए इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम और एक्स के इक्वल होगा, मतलब
इसी फॉर्मूले को अगर हम एम की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर आगे डिवाइड हो जाएगी, के की वैल्यू डिवाइड है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ से हमें पता चला कि एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। मतलब जो एक्सेलरेशन हमने देखा था कल की वीडियो के अंदर, अगर आप उसे दोबारा देखें तो उसके अंदर हमने जो एंड के ऊपर देखा था, हमने वो एरोज लगाए थे, तो नेगेटिव और पॉजिटिव अपना ग्रीन लाइन जो थी वो शो कर रही थी एक्सेलरेशन को, और येलो लाइन जो शो कर रही थी वो डिस्प्लेसमेंट को शो कर रही थी। तो उसके अकॉर्डिंग टू वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट, उनकी डायरेक्शन चेंज थी। यहाँ पे उसकी डायरेक्शन जो है वो तो डायरेक्टली प्रपोर्शनल है, मतलब एक्सेलरेशन बढ़ने से, डिस्प्लेसमेंट बढ़ने से एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, लेकिन वो नेगेटिव साइन के साथ बढ़ रहा है। हमारे पास जो फार्मूला, हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमने जो फार्मूला फाइंड आउट किया था, यानी कि जो उससे उस सारे कैलकुलेशन से, कि एम जो है हमारे पास मास है और के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। एम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड के, और के जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हमने डिटेल में इसको तकरीबन 8-10 मिनट की जो वीडियो थी हमने उसमें इसको देखा, और हमने यहाँ से वो चीज़ें यानी कि फिजिकली देख के हमने ये फाइंड आउट की, फिजिकली तो नहीं, एनिमेटेडली देख के हमने इनको फाइंड आउट किया कि टी जो है टाइम पीरियड जो है, क्योंकि मास के बढ़ने से जो फ्रिक्वेंसी है वो कम हो रही थी, लेकिन जो स्प्रिंग की हार्डनेस है उसके बढ़ने से जो फ्रिक्वेंसी थी वो बढ़ रही थी। अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ रही थी तो टाइम पीरियड कम हो रहा था, अगर फ्रिक्वेंसी कम हो रही थी तो टाइम पीरियड बढ़ रहा था, क्योंकि फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मास और के एंड स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है, यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वेयर। अगर हम इसे यही इसी इक्वेशन से फाइंड आउट करें तो के इज इक्वल टू एम, एम का यूनिट हमारे पास के जी, एक्सेलरेशन का यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, और इसे हम डिवाइड कर देंगे मीटर के साथ, तो ये मीटर मीटर से हमारे पास कैंसिल हो गया, तो पीछे हमारे पास सिर्फ किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वेयर जो है ये वैल्यू बची, तो ये हमारे पास यूनिट ऑफ के आ गया। इस सारे का जो हमारे पास निचोड़ निकलता है इस टॉपिक का, उसमें हम 4 से 5 पॉइंट में से एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कि डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक तो फर्स्ट थिंग ये कि जब भी हम स्प्रिंग और मास जो अटैचमेंट है, इनकी जो मोशन है उसको स्टडी करते हैं, तो हमारे पास सबसे जो पहली चीज़ आती है वो आता है कि डिपेंड किन कौन सी चीज़ें किसके ऊपर कर रही हैं। तो एफ फोर्स जो है अगर हम किसी बॉडीज के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो टेम्परेचर, इसका जो कांस्टेंट है स्प्रिंग कांस्टेंट है उसके वो नेगेटिव होगी, मतलब फोर्स और स्प्रिंग कांस्टेंट एक दूसरे के नेगेटिव, और उसके रिजल्ट में कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। उसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ हमने स्टडी की थी, जो हमें पता चला कि जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड के, और जो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड के। और एक बात जो हमें पता चली कि एक्सेलरेशन जो है वो और डिस्प्लेसमेंट जो है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन नेगेटिव है, मतलब एक दूसरे के उनकी डायरेक्शन जो है एक दूसरे से डिफरेंट है। ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर हमने इसको स्टडी किया था। अब हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। मोशन ऑफ अ मास अटैच टू अ स्प्रिंग, हमने इसे स्टडी कर लिया काफी, इसमें इसको एक्सप्लेन किया गया। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा बॉल एंड बाउल सिस्टम है, और उसके साथ हम स्टडी करेंगे मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम को। अब हम इन दोनों को देखेंगे कि इन दोनों से हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम ये वीडियो आपके साथ, मैं एक एनिमेटेड वीडियो शेयर कर रहा हूँ, इसका सोर्स जो है वो यूट्यूब है, तो आप यूट्यूब के ऊपर भी इसे देख सकते हैं। इसमें अगर आप ये देखें कि यहाँ पे ये एक बॉल है और ये बाउल बना हुआ है ना, तो इसके अंदर इस बॉल का कोई ना कोई वेट है, मास है, और जी की वैल्यू है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी है, तो एक जो अपवर्ड फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है जो जो इस ये बॉल जो है इस बॉल को प्रोवाइड कर रहा है वो हमारे पास आर है, यानी कि उसे हम रिजल्टिंग फोर्स भी कह सकते हैं या उसे अपोजिट फोर्स भी कह सकते हैं, या क्योंकि डब्ल्यू डाउनवर्ड है तो इसको उठाने के लिए कोई ना कोई बाउल जो है वो भी ऊपर की तरफ लगाएगा, तो यहाँ पे
ये बॉल मेन पोजीशन के ऊपर, इसके ऊपर कोई भी फोर्स इंप्लीमेंट नहीं कर रही है, स्टिल अपनी पोजीशन के ऊपर है। अगर हम इस बॉल को मूव करें, तो आप देखेंगे कि इसकी हम पोजीशन चेंज करते हैं। अब हम इसे ए पोजीशन के ऊपर लेके आए। अब ए पोजीशन के ऊपर हम खुद लेके आए, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाई। अब जब हम इसे फोर्स लगाई, तो जब हम इसे रिलीज करेंगे, यहां से छोड़ेंगे, तो इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स होगी। अब रिस्टोरिंग फोर्स है इसकी, अब कंडीशन जो होगी जब इसे हम रिलीज करेंगे, तो ये अपनी मूविंग कंडीशन में है ना, तो ड्यू टू द इनर्शिया ये जो है वो स्टॉप नहीं होगा, रुकेगा नहीं। तो इस वजह से जब ये रुकेगा नहीं, तो ये आगे मूव करेगा, तो ये ओ की पे स्टॉप नहीं करेगा, उसमें एनर्शिया है। एक तो रीजन तो ये है, दूसरी रीजन ये है कि इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो है, तो ये ओ से आगे बी की तरफ चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी और बात है कि इस जो बॉल है और बाउल है, तो बॉल और बाउल के दरमियान यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से ये बॉल जो है ये थोड़ी देर बाद घूमती 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 यहाँ पे वो जो ओ पोजीशन है, यानी कि इसकी मेन पोजीशन है, उसके ऊपर आके रुक जाएगी। यहाँ से अगर हम देखें, तो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। जब हम इसे यहाँ से रिलीज करेंगे, तो इस पोजीशन के ऊपर जब ये आएगी बॉल, मतलब ओ पोजीशन के ऊपर आएगी, तो इसके अंदर जो है अब यहां पे इसे स्टॉप हो जाना चाहिए, लेकिन यहां पे ये रुकती नहीं है, बॉल आगे बी की तरफ चली जाती है और बी से जाके यहाँ पे ये रुकेगी। अब यहां से फिर ये वापस आएगी और यहां से ए तक जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखें, तो अगर मेन पोजीशन तो ये है, इसका सेंटर पॉइंट ये है, तो ये बॉल अपने मेन पोजीशन के राउंड अबाउट यहाँ पे ऐसे से मूव करती रहेगी। अब यहाँ पे दो से तीन चीजें हैं जो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें। एक तो इस बॉल की वेलोसिटी है, कि इसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम कब है, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम कब है। तो इन दो से तीन चीजों को समझने के लिए, मजीद समझने के लिए, हम जो सिंपल पेंडुलम है उस की मोशन और इसकी मोशन तकरीबन एक दूसरे के सेम है, यानी कि इनके अंदर को बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, वो भी मोशन इसी तरह होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम उसको स्टडी करेंगे। इसके लिए तो हम देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हम ये तीन चीजें जो इसका मैंने अभी जिक्र किया, एक तो इसकी जो वेलोसिटी है वो उसका क्या रिलेशन है इसके साथ, दूसरे नंबर पे इसका जो एक्सेलरेशन है वो किस पॉइंट के ऊपर क्या होगा। हमने पहली जो एग्जाम्पल थी, जो पहली वीडियो थी, उसके अंदर एक बॉल और बॉल सिस्टम को देखा। अब हम ये एक सिंपल पेंडुलम की तरफ आए हैं, कि पेंडुलम से हम जो वही मोशन है उसको कैसे काउंट कर सकते। मैंने तीन क्वेश्चन छोड़े थे कि वेलोसिटी कब क्या होगी, एक्सेलरेशन कब क्या होगा, और टाइम पीरियड जो है उस वो किन चीज़ों के ऊपर अफेक्ट करेगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आप अपने जहन में रखिएगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि क्योंकि हमने पिछले जो लेक्चर था, जो स्प्रिंग और मास मोशन थी, उसके अंदर हमने जो चीजें फाइंड आउट की थी, उसमें हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट किया था। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, हमारे पास एम ओवर के इक्वल आया था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मोशन के ऊपर या टाइम पीरियड के ऊपर असर अंदाज होते हैं। तो ये आपके पास एक एनिमेटेड सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर आप मुख्तलिफ चीजें हैं वो आप देख सकते हैं, कि आप वेलोसिटी चेक कर सकते हैं, एक्सेलरेशन चेक कर सकते हैं, दो जो दो दो चीज़ें मैंने जिक्र की थी आपके साथ। उसके बाद मैस है, कि मैस क्या असरअंदाज होगा इसके ऊपर, लेंथ है वो कैसे असरअंदाज होगी, फ्रिक्शन जो है वो कैसे असरअंदाज होगी, और ग्रेविटी जो है वो इस मोशन के ऊपर क्या कोई इफेक्ट डालती है या नहीं। तो पिछले एग्जाम, क्योंकि यहाँ पे तो अब कोई ऐसी स्प्रिंग वगैरह नहीं है, तो कॉन्स्टेंट की वैल्यू यहाँ पे के की वैल्यू या स्प्रिंग कॉन्स्टेंट यहाँ पे नहीं है। टी है, टेंशन है इसके अंदर, तो वो डिपेंड कर रही है इस मास के ऊपर, कि ये हम मास जो है ये कितना रखते हैं। सबसे पहले उसके अंदर भी हमने मास को चेक किया था, यहाँ पे भी हम मास को ही देखेंगे कि मास जो है वो इस मोशन के ऊपर कोई असर अंदाज होता है या नहीं होता। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मास 1.5 kg ये है यहाँ पे लगा हुआ। अगर मैं इस मास को 60 डिग्री, अब ये वाला जो 60 डिग्री है, ठीक है जी, ये एंगल है। फर्दर क्लासेस के अंदर फर्स्ट ईयर में जाके आप इस एंगल के बारे में भी स्टडी करेंगे। आपके कोर्स में इसका इतना पोर्शन नहीं है कि एंगल क्या होता है, सिर्फ ये है कि इस एंगल को हम देखेंगे,
नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर, कि ये एंगल जो है, ये आपने याद रखना है कि यहाँ पे एक एंगल आया था ये 60 डिग्री, ये एंगल जो है ये इस लाइन यहाँ और ये जो ये वाली लाइन, मतलब इन दो पोर्शन के दरमियान यहाँ पे ये एंगल बनता है ना। तो अगर हम इसे 60 के ऊपर रखें, सॉरी, अब हम इसे 60 के ऊपर लेके चलते हैं, ये 60 डिग्री। अब यहां से इसको मैंने रिलीज करता हूं, तो अगर आप इसका स्टॉप वॉच हम देखें, इसको काउंट करने की कोशिश करें, तो ये तकरीबन 1.67 सेकेंड है। एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि ये मैनुअली है, ऑटोमेटिकली नहीं टाइम रिकॉर्ड करता, तो ये तकरीबन 1.67 है। कितने मास के ऊपर थी? 1.5 kg के ऊपर। अगर मैं इसका मास फॉर एग्जाम्पल से स्टॉप करता हूँ, अब मास को जो है वो मैं बढ़ा देता हूँ, पहले मास 1 kg था, अब इसे मास को बढ़ा के मैंने 1.5 kg कर दिया। अब 1.5 kg के ऊपर, अब इसे 1.67 इस वैल्यू को याद रखिएगा, अब मैं इसको रीसेट करके दोबारा इसे 60 डिग्री के ऊपर लेके जाके इसको मैं रिलीज करता हूँ, और मैं इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ, ये तकरीबन उतना ही है। वो 1.67 था क्योंकि ये मैनुअली है, तो थोड़ा सा जो फर्क है वो यानी कि 0.03 का जो डिफरेंस है सिर्फ, वो आया मैनुअली काउंट करने के, जो कि एक माइनर सा है ना। तो इसका मतलब है कि जो मैथ है वो इस टाइम पीरियड के ऊपर कोई असरअंदाज नहीं हो रहा। पहली बात को तो हमें ये कंफर्म हो गया कि मैथ का कोई भी रोल नहीं है इसके ऊपर। सिंपल पेंडुलम के अंदर मैथ की कोई अहमियत नहीं है, सिंपल पेंडुलम मोशन यानी कि अंदर के अंदर मैथ की कोई अहमियत नहीं है। सो नेक्स्ट चीज हम देखते हैं कि किस चीज की अहमियत है जी। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, मैं इसे ही रखता हूँ मैथ, अब हमने 1.5 kg रखा हुआ, मैंने इसे स्टॉप करता हूँ। अब लेंथ ये है यहाँ पे 0.7 मीटर है, मैं इस लेंथ को बढ़ा के 1 मीटर कर देता हूँ, ठीक है जी। 0.7 मीटर के ऊपर इस लेंथ का टाइम पीरियड 1.64 था, जो अभी हमने कैलकुलेट किया ना। अब हम देखते हैं कि 1 मीटर के ऊपर इसका टाइम पीरियड कितना, वही सेम मैं 60 डिग्री के ऊपर लेके जाता हूँ। और यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि फ्रिक्शन जो है वो मैंने 0 की हुई है, ग्रेविटी जो है वो 9.81 है, यानी कि जो अर्थ की ग्रेविटी है वो हम उसको ले रहे हैं। अब इसे 60 के ऊपर जाकर मैं रिलीज करता हूँ, 1.64 ये याद रखिएगा, रीसेट करता हूँ, अब इसे दोबारा कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ, ये 2.1 तक चला गया। मतलब वेट वही, यानी कि वेट W और G की वैल्यू, यानी कि G की वैल्यू भी ग्रेविटेशन वही है, वेट वही है, मास वही है। तो वेरी क्या किया, टाइम पीरियड वेरी किया, किससे? इसकी लेंथ को चेंज करने से। अभी आपके पास इसकी फ्रिक्वेंसी है, अब मैं एक और इसका डेमो आपको देता हूँ कि अगर इसकी लेंथ मैं कम करता हूँ, तो आप ये देखिए इसकी फ्रिक्वेंसी तेज हो रही है और ये एंगल भी तेज हो गया ना, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर 60 डिग्री के ऊपर लगा था, जैसे कम होगा, जैसे हम फिर वापस इसे आएंगे, अब इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो स्लो हो गई है। इसके अंदर जो चीज हम देखेंगे, ये 60 डिग्री के ऊपर जाके से छोड़ा तो इसकी टाइम पीरियड इतना, लेंथ को अगर हम कम कर दें तो उसके रिजल्ट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल 30 मीटर किया, 60 डिग्री के ऊपर जाके हम इसे रिलीज करते हैं, तो इसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है। अगर हम इसकी डबल एग्जाम्पल लें, मतलब दो मैसेज ले लें, एक ये मैसेज है जो कि जिसकी लेंथ 1 है, और एक ये दूसरा मैसेज है जिसकी लेंथ जो है वो लेंथ 1 जो है वो 30 है, लेंथ 2 जो है वो 1 मीटर है। मास जो है वो दोनों का सेम है, 1.5 kg है। अब मैं इसको 60 डिग्री के ऊपर जाके छोड़ता हूँ, ठीक है जी। तो अब आप इसका और उसकी फ्रिक्वेंसी देखें, वो तकरीबन वो दो चक एक चक्कर लगा लेता है, यानी कि एक दफा वो वाइब्रेट कर लेता है उसके दौरान, तो जो 2 है वो उसका लेट है। अगर हम इसका टाइम पीरियड जो है वो देखें, कैलकुलेट करें दोनों का, ठीक है जी, 1 का, ठीक है, ये कैलकुलेट हमने किया तो 1.72 है जो फर्स्ट है। अब हम सेकंड का करें तो वो तकरीबन 2.1 है, 1.7 और 2.1, मतलब इनमें डबल का डिफरेंस है। तो वो किस वजह से है? सिर्फ इसकी लेंथ की वजह से है। ये हमने एग्जांपल पहली में मास का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं है,
वो भी हम चेक कर लेते हैं इसी एग्जाम्पल के साथ कि मैस दोनों की अगर हम लेंथ सेम कर दें, फॉर एग्जाम्पल इसकी लेंथ भी 1 मीटर है, उसकी लेंथ भी 1 मीटर है, और मैस जो है वो दोनों के ऊपर जो है वो 1.5 kg 1.5 kg है। अब 1, 2 को भी हम 60 डिग्री एंगल देते हैं, 1 को भी हम 60 डिग्री एंगल देते हैं, और पहले 1 का टाइम पीरियड काउंट करते हैं तो 2.1 है, फिर 2 का पॉइंट टाइम पीरियड काउंट करते हैं तो वो भी 2.1 है। मतलब कि जो मैस है, अब इसका सेम रखा हुआ था दोनों हमने, अब मैस मैं दूसरे का कम कर देता हूँ, 1 कर दिया लेंथ, सॉरी मैस, पहले का मैस जो है वो 1 कर देते हैं, दूसरे का 1.5 है। अब पॉज किया, 2 को चलाया 60 डिग्री पे, फिर 1 को चलाया 60 डिग्री पे, ठीक है जी, 2 का टाइम पीरियड काउंट किया 2.1, 1 का टाइम पीरियड काउंट किया तो वो भी 2.1। इन दोनों का जो तो टाइम पीरियड काउंट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया वो सेम आया, तो मैथ कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन जो हमारे पास दूसरा है लेंथ है वो इसके ऊपर असर अंदाज हो रही है। सो इससे हमें इस बात का पता चला कि लेंथ जो है वो इसकी मोशन के ऊपर, टाइम पीरियड के ऊपर असर अंदाज हो रही है, मैस असर अंदाज नहीं हो रहा। अब हम चेक करते हैं ग्रेविटी जो है वो क्या असर अंदाज हो रही है या नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल हमने इन दोनों की मोशन जो थी वो काउंट की 2.15 के ऊपर ना, अब मैं ग्रेविटी जो है वो चेंज कर देता हूँ, मैं कम कर देता हूँ, 6 कर दी, ठीक है जी। अब 2 का जो सिर्फ, क्योंकि दोनों का सेम था तो हम एक को ही चेक कर लेते हैं, अब ऐसा करते हैं हम 1 सिर्फ एक के ऊपर आ जाते हैं। अब ग्रेविटी जो है वो 6 कर दी, इसका हमारे पास लेंथ भी है वो 1 मीटर है, मास जो है वो 1 kg है, ग्रेविटी जो है वो 6 के ऊपर है, तो हम इसका टाइम पीरियड काउंट करेंगे 60 डिग्री, ठीक है। अब इसका हम टाइम पीरियड काउंट करते हैं जी, 2.74, 6 अगर ग्रेविटी हो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी की वैल्यू हो तो 2.7 है। अब इसे पॉज करते हैं जी, अब जी की वैल्यू जो है वो अर्थ कर देते हैं, ठीक, अर्थ के अकॉर्डिंग टू 2.5 समथिंग था। अब हम दोबारा इसे काउंट करते हैं, 60 डिग्री टाइम पीरियड काउंट किया तो 2.1, मतलब ग्रेविटी जो है वो भी असरदार, ग्रेविटी बढ़ने से टाइम पीरियड जो है वो कम हो रहा है। अगर हम इसको यहां पे मैन्युअली थोड़ा सा छेड़ें, ये देखिए ये स्लो हो गई है उसकी मोशन, आगे करें तो उसकी मोशन जो है वो ये तेज हो जाएगी, ठीक है। तो ग्रेविटी के बढ़ने से, ग्रेविटी के ज्यादा करने से फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है तो टाइम पीरियड कम होगा, ग्रेविटी कम करेंगे फ्रिक्वेंसी स्लो होगी, फ्रिक्वेंसी स्लो होगी तो टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज करेगा। सो ग्रेविटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आई हमारे पास किसके, टाइम पीरियड के, और जो लेंथ थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई हमारे पास टाइम पीरियड के। अब एक चीज और जो हमने कही थी वो हम देखेंगे, अगर हम अर्थ के ऊपर इसे आइडियल लोकेशन के ऊपर 1.5 kg के ऊपर चला जाए, अब जो एक्सेलरेशन है हमारे पास, अब मैं इसे क्लिक करता हूँ ना तो ये एक्सेलरेशन आ रहा है, तो अगर मैं इसे स्लो मोशन में रन करूँ तो आप ये देखिए यहाँ पे आके एक्सेलरेशन जो है मीन पोजीशन के ऊपर आता है, एक्सेलरेशन यहाँ पे इसके डायरेक्शन ये है, यहाँ पे इसके डायरेक्शन अपवर्ड होगी, यहाँ पे इसके डायरेक्शन ये है, और अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का कम्बिनेशन देखें, ये देखें जहां पे वेलोसिटी जो है ये 0 हो गया, ये अगर सिर्फ यहां पे रखें, प्ले करें स्लो मोशन में 60 डिग्री पे चला जाए, यहां पे देखें ये एक्सेलरेशन है,
मेन पोजीशन पे आके एक्सेलरेशन जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो अपवर्ड उसके डायरेक्शन हो गया, वो उसकी डायरेक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग बन रही, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है हमारे पास जीरो हो जाएगी। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो हमारे पास मैक्सिमम होगी, उसके डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है या इस तरफ है, ये मेन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम है और एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है। अब जो एक्सट्रीम पोजीशन आती है, यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन, यहां से जब एक्सेलरेशन की वैल्यू अब डाउनवर्ड है और ये यहां से मैक्सिमम होगी, ठीक है जी, और वेलोसिटी जो है यहां पे आके बॉडी रुक जाती है तो इसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो होगी। सो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो एक्ट कर रही है, मतलब जब एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम है वेलोसिटी जो है वो जीरो है, जब वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम है। सो ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के अंदर ये है, अगर हम इसका एनर्जी ग्राफ देखें, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के अकॉर्डिंग टू, मतलब सारी चीजें अब हमने कर ली। इस पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जब ये जाएगा तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी जीरो। यहां से हमें पता चला कि जो वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है वो एक दूसरे की, उनके उनकी डायरेक्शन भी एक दूसरे से डिफरेंट होती है, मतलब यहां पे अगर आप देखें तो एक्सेलरेशन ऊपर है वो नीचे है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पे तो बेसिकली डिक्लेरेशन होगा ना, वेलोसिटी जो है वो डिक्लेरेशन हो रही है, तो ऊपर के जाते हुए डिक्लेरेशन होगा, नीचे आते हुए बॉडी जो है वो उसमें एक्सेलरेशन होगा, या उसे वह नेगेटिव एक्सेलरेशन या डिक्लेरेशन बोल सकते हैं। सो आज ये इसकी एग्जाम्पल थी। अब हम आते हैं इसके जो अगली स्लाइड्स की तरफ। सो अभी हमने जो एक एनिमेटेड जो प्रैक्टिकल हमने किया उसमें कुछ चीज़ें थी, कुछ फैक्टर्स थे जो कि सिंपल पेंडुलम के ऊपर अफेक्ट कर रहे थे। उसमें जो फर्स्ट फैक्टर था जो जिसका कोई अमल दखल नहीं था वो मैथ था, मतलब उसके कम या ज़्यादा करने से सिंपल पेंडुलम की किसी चीज़ के ऊपर कोई फर्क नहीं आ रहा था। फर्क किससे पड़ रहा था, एक लेंथ थी, मतलब ये वाली लेंथ जो थी इसके जो जहाँ से हमने इसे नोट के ऊपर रखा हुआ था और मैथ तक की जो लेंथ है, एक ये मैटर कर रही थी, दूसरा जी की वैल्यू मैटर कर रही थी, मतलब इन दोनों के कम होने से या ज़्यादा होने से टाइम पीरियड के ऊपर फर्क पड़ रहा था, और एक एंगल था ये थीटा जो था जिस जो हम 60 डिग्री अमूमन उसके ऊपर रख रहे थे ये भी फर्क डाल रहा था। ये आपके कोर्स में नहीं है, जो एम बी साइन थीटा और एम बी कॉस थीटा के लिए आप फर्स्ट ईयर में जो इसको स्टडी करेंगे। सो फिर भी ये वाले एंगल जो थे ये फर्क डाल रहे थे। इसके अलावा जो चीज़ें दूसरी थी जिनके ऊपर फर्क पड़ रहा था वो एक्सेलरेशन था, वेलोसिटी थी, और जो फर्क डाल रहा था वो डिस्प्लेसमेंट भी थी, वो डिस्प्लेसमेंट और एंगल का आपस में एक रिलेशन है। सो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे देखी, उनको एक ओवरव्यू हमने उसका लिया। सो अगर हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करें सिंपल पेंडुलम का तो वो टी इज इक्वल टू हमारे पास 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी की वैल्यू। एल लेंथ है जो कि सिंपल पेंडुलम की है, मतलब द नोब से लेके इस मैथ तक का जो लेंथ है उसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड के, और जी की वैल्यू जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड के। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टली टुवर्ड द मीन पोजीशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो उस वक्त अकर होती है, मतलब उस वक्त होती है जब नेट फोर्स हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो वो डिस्प्लेसमेंट के है, यानी कि मीन पोजीशन से जितना डिस्प्लेसमेंट है वो जितना भी डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी ही सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो अकर होगी। सो इट एंड इज ऑलवेज डायरेक्टली टूवर्ड्स द मीन पोजिशन, और उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजिशन की तरफ होती है, मतलब ये ए से जब हम छोड़ के आते हैं तो ये ऊपर को नहीं उठता, ये मीन पोजिशन की तरफ आता है। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो इससे हमें पता चलते हैं, जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक है। अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स पोजिशन, मतलब कोई भी बॉडी जो है
सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो अपने फिक्स पोजीशन के अराउंड अबाउट मूव करती है। तो ये हमने तीनों केसेस के अंदर इसको देखा। एक्सलरेशन इज डायरेक्टली टुवर्ड द मेन पोजीशन। एक्सलरेशन में हमने देखा कि तीनों का जो केसेस के अंदर जो एक्सलरेशन था वो मेन पोजीशन की डायरेक्शन जो मेन पोजीशन की तरफ थी। जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलरेशन था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। जितनी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा थी हम ज्यादा करते थे उसके ऊपर लेके जाते थे एंगल बढ़ाते थे तो उतना ही जो उसका मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का वो भी इंक्रीज करता था। सो एक्सेलरेशन विल बी जीरो एट द मीन पोजीशन। लेकिन जैसे ही वो मीन पोजीशन के ऊपर आता था ये बात हमने वहां पे की थी कि एक्सेलरेशन मीन पोजीशन के ऊपर जीरो है लेकिन वेलोसिटी मीन पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम है। एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम है और वहां पे वेलोसिटी जो है वो जीरो है। सो ये चीजें थी ऑलरेडी हम इनको डिस्कस कर चुके हैं। ये आपके कोर्स के अंदर था यानी ये बुक का पोर्शन था ये वाला फीचर्स जो है इसके। एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जिसमें सिंपल पेंडुलम की लेंथ जो है वो 1 मीटर है और जी की वैल्यू 10 है। उसी फॉर्मूले के अंदर टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी में हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास आंसर जो है वो 1.99 सेकंड आया। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी। ये काफी दफा मैं रिपीट कर चुका हूँ कि फ्रिक्वेंसी जो होती है 1 ओवर टाइम के इक्वल होती है यानी कि इनवर्स होते हैं एक दूसरे के। सो 1 ओवर 1.99 और 1.2 इज इक्वल टू 0.5 हर्ट्ज मतलब हाफ फ्रिक्वेंसी है कि 2 सेकंड के अंदर एक जो सर्कल है वो उसका कंप्लीट होगा। आज का जो लेक्चर है इसको आप देखिए जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आप कमेंट्स के अंदर कीजिएगा। यहाँ पे इस न्यूमेरिकल को अपनी वैल्यू थोड़ी सी चेंज करके 1 मीटर की जगह इसको कुछ वेरिएट करके चेंज करके 10 की जगह इसे कुछ चेंज करके इस क्वेश्चन को आप खुद से भी करने की कोशिश कीजिएगा। आज के लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए आई लर्निंग को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप अगली वीडियोस जो हैं उनके बारे में नोटिफिकेशन आपको आ सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।